हे गाइस व्हाट्सअप। सो गाइस वीडियो का टाइटल तुम लेके आप समझ गए वीडियो जो हमारे किस टॉपिक में वाली है। तो गाइस चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस बैकग्राउंड को ओपन करना है एंड गाइस उसके बाद आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आना है। ठीक है गाइस, एंड मैंने अपने मॉडल का कटआउट पहले से कर रखा है एंड गाइस जिसको मॉडल का कटआउट करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप जाकर सिंपली वीडियो को देख के एंड इरेज कर सकते हैं। एंड गाइस मेरे को अपनी फोटो में कुछ एडजस्टमेंट करनी है, लाइटिंग वाइटिंग कुछ ज़्यादा है तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पहले सिंपली। सो गाइस जो भी एडजस्टमेंट थी मैंने कर लिए एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या है, ऐड फोटो में जाना है। ठीक है, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक पीएनजी मिलेगा। ठीक है, एंड मेरे शायद ऊपर से मेरे ना गाइस हेयर थोड़े कट गए हैं गाइस एडिटिंग करते वक्त, वो फोटो अच्छी नहीं आई तो गाइस इसलिए मुझे इसमें हेयर पीएनजी लगाना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप सभी को भी हेयर पीएनजी वाला लगाना होगा अपनी फोटो में तो गाइस मैं इसको भी इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको भी सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो गाइस पहले मैं अपने हेयर को सिंपली इस तरीके से अपने ऊपर ऐसे फिक्स कर लेता हूँ। तो गाइज हमने अभी अपने सर पे हेयर भी लगा लिए, तो गाइज अब हमारा एक काम और रहेगा गाइज पीएनजी मून का पीएनजी गाइज जिसे अभी हमें अपने हाथ के ऊपर लगाना है। तो गाइज सिंपली मैं जाके ऐड फोटो में जाके अपनी मून के पीएनजी को ले आता हूँ। ठीक है एंड गाइज अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे यार। कौन सा आपका ज़्यादा टाइम लगेगा यार, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि यार उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो लाने में। तो यार गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइज मैंने मून का पीएनजी ले आया हूँ गाइज। ठीक है, तो उसके बाद मैं ऐसे अपने हाथ के पास से फिक्स करूँगा एंड इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा। ठीक है, एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाऊँगा एंड गाइज इसको यहाँ से आप सभी को इसको इरेज कर लेना है। ठीक है, हार्डनेस को फुल कर लेते हैं एंड गाइज को हम सिंपली इरेज करते हैं। सो गाइज हमने इरेज कर लिया एंड गाइज बैक आएंगे एंड गाइज उसके बाद हम इसकी ओपोसिटी को 100 कर देंगे, ये कर देंगे डन। ठीक है, एंड अब हमें एक पीएनजी लगाना है गाइज। ठीक है, तो मैं इसको पीएनजी को ले आता हूँ एंड गाइज इस पीएनजी का हमारा क्या यूज़ है गाइज कि हमें अपने इसको फेस की तरफ लगाना ताकि गाइज जो मून है ना गाइज उसका रिफ्लेक्शन हमारे फेस पे आ रहा है वो दिखाना। तो गाइज इसके लिए हम इस लाइट के पीएनजी का यूज़ करेंगे। तो गाइज मैंने लाइट के पीएनजी को ले लिया है। ठीक है, एंड सिंपली हम इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे गाइज स्क्रीन जैसे कि गाइज हमें हमेशा रखते हैं, तो हम इसका स्क्रीन रख लेंगे एंड इसके साइज़ को बड़ा करेंगे एंड अपने फेस की तरफ लाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से एंड गाइज उसके बाद आप सभी को जाना क्या करना है, इरेजर टूल में जाना है। ठीक है, इरेजर टूल में जाने के बाद गाइज इरेजर पे जाना है एंड गाइज की ओपेसिटी को कम करना है एंड गाइज के बाद उसको सिंपली ऐसे इरेज करना है एंड गाइज की साइज़ को बड़ा कर देना है एंड साइड से इस तरीके से इरेज करना है। ठीक है, एंड कर लेना डन। ठीक है, एंड उसके बाद गाइज आप सभी को करना क्या है, दोबारा से जाना है ऐड फोटो में एंड गाइज एक पीएनजी लेना है। ठीक है, तो मैं फटाक से उस पीएनजी को ले लेता हूँ। तो गाइज सिंपली मैंने पीएनजी को ले लिया गाइज एंड अब हमसे क्यों करना है कि आपको सभी को इस तरीके से ले लेना है। ठीक है, पीएनजी कैसे फिट करना है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड रखना है स्क्रीन। ठीक है, सो हम इसका कर लेते हैं ब्लेंड से स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको सिंपली हम इसको अपने नीचे लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, सो अब हम इसे करेंगे यहाँ से डन सिंपली। ठीक है, एंड अब इसमें गाइज हमारा क्या रहेगा, कलर करेक्शन जो कि हम लाइट रूम ऐप के अंदर करेंगे। तो गाइज चलते ड्रो टूल में एंड फोटो कर लेते हैं सेव एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से लाइट रूम ऐप के अंदर। तो चलिए गाइज चलते हैं लाइट रूम में। एंड गाइज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है यार, अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार आपके एक सब्सक्राइब अभी तक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो गाइज प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बिना मत जाना एंड गाइज अपने सभी दोस्तों को यार वीडियो को शेयर करे करो यार, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता था यार, एक शेयर जरूर कर दे करो यार प्लीज़। तो गाइज हमने फोटो ऐड कर लिया एंड गाइज अब आप सभी को करना क्या, ऐसे अपने फोटो को लाइटरूम ऐप में लेकर आना है। ठीक है, एंड इसका लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, इसके कॉन्ट्रास्ट को कम करना, हाईलाइट्स को बढ़ा लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद शेडो को हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एंड वाइट को भी वो कम करते हैं एंड गाइस उसके बाद हम ब्लैक को भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एंड चलते हैं इसमें गाइस लाइट इसमें कलर्स में एंड गाइस के वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, सैचुरेशन को कम करते हैं। ठीक है, एंड चलते हैं इसमें मिक्स में एंड गाइस रेड कलर के ह्यू को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं, ल्यूमिनस को कम कर लेते हैं ऑरेंज वाले के। ठीक है, एंड ब्लू कलर में चलते हैं, ह्यू को बढ़ा लेते हैं एंड सेकंड ब्लू में चलते हैं एंड ह्यू को बढ़ा लेते हैं एंड सैचुरेशन को माइनस कर लेते हैं, कर लेते हैं डन। ठीक है, एंड चलते हैं नीचे वाले टूल में। ठीक है, इस फोटो की क्लियरिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड विग्नेट को हम कम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड इसके फेदर एंड राउंडनेस को बढ़ा देंगे 100।
ठीक है एजेंट, फोटो को शार्प करेंगे एंड नो डायरेक्शन को बढ़ाएंगे एंड कलर नो डायरेक्शन भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, सो हमारे यहाँ तक फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइज अभी मुझे फेस पर थोड़ी वो दिख रही है गाइज, क्या कहते हैं गाइज, वो मतलब पार्टिकल्स थोड़े टाइप में अभी चमक रहे। तो गाइज इसके लिए हमें करना क्या, पहले अभी हम सिलेक्टेड टूल में जाएंगे, ठीक है एजेंट, इसको हम सिंपली नीचे से इस तरीके से करेंगे एंड गाइज इसके उसको ब्राइटनेस को माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है एंड उसके बाद क्या करना है गाइज, इसको कर लेना से डन एंड गाइज दोबारा से हम जाएंगे इस वाला आइकन में, ठीक है एंड नीचे वाला आइकन में एंड गाइज के बाद हम फोटो करेंगे थोड़ी सी स्मूथ, ठीक है एंड कलर नो डायरेक्शन को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है एंड नो डायरेक्शन को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। तो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप सभी का बहुत बहुत रिक्वेस्ट है एंड गाइज मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।